यहां पर बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन का 90% क्वेश्चन ऑप्शन से होता है। और याद रखिए दो चीजें हैं, एक अंडर रूट एक्स है, इसकी डोमेन हमने पढ़ी हुई है पहले ही, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लॉग है तो लॉग में ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर तो होना चाहिए। तो एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर से एक चीज पता चल गई, ये ऑप्शन खत्म क्योंकि इसमें माइनस फाइव लिखा है, ये ऑप्शन भी खत्म, यस और नो? ठीक, क्योंकि माइनस फाइव से इंक्लूड कर रहे हैं, ये ऑप्शन इसलिए खत्म क्योंकि आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि इसको कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। आपने बिना पेन उठाए बिना चार स्टेप के भी इस क्वेश्चन को सही कर दिया। रहा सवाल पूरा मेथड से करने का, तो पहला केस आप ये लेते ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी आप ऐसा लेते एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू जीरो, फैक्टर हुआ एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वन। अब ध्यान दीजिए ये माइनस फाइव ये वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया तो इसके हिसाब से माइनस फाइव से वन है, यस और नो? राइट, ऑप्शन ए देखिए क्या है। मिस्टेक कहां होती है वो सीखना है। अब हमें जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन दिए होते हैं तो उनका जो सॉल्यूशन है वो कॉम्बिनेशन से निकालते हो आप, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहां पर कंडीशन है ग्रेटर देन माइनस जीरो, यानी ग्रेटर देन माइनस फोर, माइनस फोर से बड़ा कुछ भी, यानी इसकी डोमेन है माइनस फोर टू इनफाइनाइट। पर आपको पता है कि माइनस फोर यहां आया होगा, तो आप माइनस फोर से तो ले सकते थे, पर वन पे जाके रुकना पड़ेगा भले ही वो कहीं तक जा रहा हो, तो माइनस फोर को एक्सक्लूड करना है और वन को इंक्लूड कर सकते हैं। पर इतना सब काम नहीं करना है, थोड़ी सी टेक्निक्स आपके इस कोर्स को एकदम इंप्रूव कर देंगे, एकदम बूस्टअप कर देंगे। ध्यान दीजिए छोटी छोटी टेक्निक्स पे। डोमेन पूछिए, सबसे पहले जैसे ही आपको डोमेन पूछिए, मॉड लगा हुआ है यहां पे, तो आपको एक बात पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं। पहले तो इस लॉग एक्स में वन नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते वन? क्योंकि लॉग वन होता है जीरो, लॉग जीरो नॉट डिफाइंड, तो जिस आंसर में जीरो टू इंफिनिटी है वो आंसर खत्म। क्यों? ये नहीं, ये वाला आंसर, एक बात। दूसरी बात, माइनस की वैल्यू ले ही नहीं सकते, ये आंसर भी खत्म, भले यहां मॉड लगा पर रखोगे तो पहले यहां, तो दो आंसर तो आपने वैसे ही खत्म कर दिए। अब इसका जो भी रिजल्ट है बस इसमें वन नहीं रखना है आपको, बाकी तो कुछ भी रख सकते हो, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अंडर रूट के अंदर अगर साइन एक्स हो, वो साइन टू एक्स है, यहां पर ये की थी उसकी, ये टू उसकी की थी, किसी की नजर टू पे नहीं गई, 100% श्योर हूं ये क्वेश्चन गलत कर दिया होगा उसने। हाँ, तो किसी की नजर अगर नहीं गई तो क्या गड़बड़ होती बताता हूं। सबसे पहले तो अंडर रूट साइन एक्स है, तो आपको पता है साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और साइन जीरो ग्रेटर देन कहां पर होता है बेटा? जीरो से पाई और इसमें टू एन पाई जोड़ दो, तो आप अगर मान लो अंडर रूट साइन एक्स होता तो आप इजीली बोलते टू एन पाई टू टू एन प्लस वन इंटू पाई, यस और नो? अगर ये रूट साइन एक्स होता, और ध्यान दो तो ये एक ऑप्शन था भी, बहुत बच्चों ने डी लगाया है इसका आंसर, और ये आंसर कई लोगों ने गलत करा है, बट इसमें 2x होने से आपको इसी रिजल्ट में 2 का डिवाइड करना, तो जैसे ही आपने 2 का डिवाइड किया तो n पाई, यहां पे 2 का डिवाइड करें तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जो कि आप अलग अलग लिख दोगे तो b में दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर b भोपाल है। देखिए क्वेश्चन को देख के समझ जाइए दो बातें, ये अपॉन में है, अपॉन में होने से क्या नहीं आएगा? प्लस माइनस 2 है ना, एक चीज खत्म, प्लस माइनस टू नहीं आएगा। दूसरा, ये लॉग के अंदर होते ही आपको समझ में आ गया ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स इंटू, यस और नो? फैक्टर बोलो, माइनस वन प्लस वन एंड वो सॉरी माइनस वन जीरो एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पॉजिटिव चाहिए, ये वाला है पॉजिटिव और यहां से भी है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, राइट? तो आप क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस वन टू जीरो यूनियन ऑफ वन टू, बोलो इंफिनिटी, पर वन टू इंफिनिटी जा नहीं सकते क्योंकि बीच में टू आएगा, तो वन टू टू यूनियन ऑफ टू टू इंफिनिटी। माइनस टू की दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्केल का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी। देखो इसमें एफ ऑफ जी का इनवर्स पूछा है, तो कुछ मत सोचो, पहले एफ ऑफ जी निकाल दो और उसका इनवर्स निकाल दो। इनवर्स की डेफिनेशन होती है, अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो एक्स इक्वल टू होता है एफ इनवर्स वाई, जो फंक्शन x के फॉर्म में लिखा जाता है उसे इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। ओके,
उसे इनवर्स फंक्शन कहा जाता है। तो सिंपल है, एफ ऑफ जी बोले बोलू मैं आपसे क्या होगा, तो आप बोलते एफ जी एक्स, जी एक्स डालो, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वन रखो, तो थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टेन, मतलब फाइनली थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, वाई इक्वल टू मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो वाई माइनस सेवन अपॉन थ्री इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्या आ गया अंडर रूट वाई माइनस सेवन अपॉन थ्री, इसी को आप एफ ऑफ इनवर्स बोलते हैं, तो वाई की जगह एक्सपुट कर दिया बस। तो आंसर इज ए, इन द वैल्यू ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है। एक्स टेंस टू जीरो पर मैंने आपको बताया था क्या साइन एक्स को क्या लिखना है एक्स, या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये बोलो क्या है टू साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन फाइव एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स, बोलो टू एक्स स्क्वायर फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स, सारे एक्स कैंसिल तो क्या बचा टेन बाय थ्री। कि सबसे पहली बेसिक बात कि यहां पर आपको नीचे दिख रही डिग्री वन, तो ऊपर अगर वन होगी तो ही इसका फाइनाइट आंसर होगा, पर इसका आंसर जीरो दिया है, जीरो दिया है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ ही नहीं सकता, ये पहचानने का तरीका होता है। अगर इसका आंसर जीरो है तो दो ही केस में हो सकता है, या तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो। तो आप इसका अगर मैं आपसे बोलूं कि एलसीएम लो, सीखिएगा आप, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये, इसी में कई बार उलझ जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस कॉमन ले लिया इंटू एक्स प्लस वन अपॉन, बोलो बेटा एक्स प्लस वन। अब जरा आप इसको थोड़ा सा मुझसे सॉल्व करवाइए, तो आप क्या बोलते एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लो, तो एक अल्फा मिलेगा और एक बीटा, प्लस बीटा अपॉन एक्स प्लस वन, और आपको रिजल्ट पहले से पता जीरो। ये जीरो जब हो सकता था, एक तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट आ ही नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर का ओवरऑल कोफिशियंट देखें तो वन माइनस अल्फा, ये किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के, तो अल्फा कितना आ गया वन, अल्फा वन कितने में है, अल्फा और बीटा ही पूछा ना, अल्फा वन इन दो में है, तो ये दो तो पहले ही खत्म, रिजेक्शन मेथड ठीक है। अब इसके बाद जो एक्स का कोफिशियंट है, ठीक है, इसके बाद एक्स का कोफिशियंट है और फिर वो है, तो एक्स का कोफिशियंट भी जीरो ही होना चाहिए, क्योंकि वो अगर होगा ही नहीं, अगर वो होगा ही नहीं तो वन अपॉन इंफिनिटी क्या होता है जीरो, तो ये भी अगर जीरो हो जाए तो कब होगा ये जीरो, बोलो अल्फा वन आ ही चुका तो बीटा क्या आ गया, तो आंसर क्या हो गया सी। अब इसमें क्या हुआ थोड़ा ध्यान देना, इसमें आपने ऐसा लिखा होगा रूट टू के अंदर टू इंटू साइन स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर बाय टू अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, यस और नो। अब बेटा क्या हुआ कि ये रूट टू बाहर आया, ये बाहर टू है, अच्छा ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बट क्या हुआ कि यहां पर निकला तो मॉड ही है, निकला तो मॉड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहां एक्स का क्या हो गया स्क्वायर, इसलिए इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ये एक तरह से आपको ऐसा मिल गया, समझना एक्स स्क्वायर बाय टू मॉड के अंदर और यहां पर एक्स स्क्वायर बाय फोर, तो एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये टू से ये वाला टू नीचे आ जाएगा, तो पूरा फोर कैंसिल, तो बचेगा क्या रूट टू,